हमने अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई है 6 तारीख को हिसार में। हम अपनी मीटिंग करने जा रहे हैं स्टेट बॉडी की, जहां हम अपने पदाधिकारियों को, पार्टी के नेताओं को फतेहाबाद रैली में जो जिम्मेवारी उन्होंने निभाई है, जिस ढंग से उन्होंने काम किया, जहां उनको उसके लिए बधाई देंगे, वहीं आदमपुर चुनाव में उनकी क्या जिम्मेवारी है उसके लिए भी हम 6 तारीख को तय कर लेंगे। और उसके बाद 8 तारीख से 12 तारीख तक 4 दिन मैं लगातार सभी हलके में जाऊंगा और हलके में जा करके लोगों से मिल करके, बात करके, कार्यकर्ताओं से पूछ करके हम अपनी पार्टी का प्रत्याशी तय करेंगे। वहीं एक बात और लोगों से ज़रूर पूछूंगा कि इस उपचुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये उपचुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है, ये परिस्थितियाँ किसने पैदा करी, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये उपचुनाव जो है ये इस्तीफा कोई इस बात के लिए नहीं दिया गया था कि कोई मेजर रीज़न हो गया जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़े। मैंने तो इस्तीफा दिया था तो किसान आंदोलन चल रहा था, केंद्र की सरकार किसान को कमज़ोर कर रही थी, उसको ज़मीन से बेदखल कर रही थी, कहीं किसान की रोजी रोटी छीनने का काम कर रही थी। मैंने तो उन हालात में किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था, अपने हलके के एक एक व्यक्ति से पूछ करके, बात करके फिर रिजाइन करने का काम किया था। कुलदीप बिश्नोई ने क्यों इस्तीफा दिया ये पूछने वाली बात है। कुलदीप बिश्नोई तो ये कह करके चुनाव जीतते रहे आज तक कि मैं अगला मुख्यमंत्री बनूंगा, क्या वो मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने रिजाइन किया या अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए? ये इस्तीफा लोगों के हितों में नहीं दिया गया, ये इस्तीफा स्वार्थ में दिया गया है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने आप को कहीं ईडी से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से, इन एजेंसियों से बचाने के लिए दिया गया है। तो आप ये मान के चलो कि लोग जो है हर हालत में, कोई मूर्ख नहीं है, लोग बहुत सोच समझ करके फैसला करेंगे। इन्होंने जहाँ लोकसभा में इनको बुरी तरह हराने का काम किया था, इस विधानसभा के चुनाव में भी, उपचुनाव में भी लोग इनको सबक देंगे। अब ये जब वोट मांगने जाएंगे तो क्या एजेंडा है इनके पास, क्या कहेंगे लोग जब पूछेंगे सामने से, भाई इस्तीफे की नौबत क्यों आई, जरूरत क्या पड़ी तो बताओ, इसका क्या जवाब है इनके पास? हर गांव में लोग ये सवाल करेंगे, पूछेंगे कि क्यों इस्तीफा दिया। इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करें तो किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में जाने का काम किया जाएगा? ये जो लुटेरों का गिरोह 3 साल से इस प्रदेश को लूट रहा है, जिसको आप गठबंधन की सरकार कहते हो, जो इन्होंने लूट मचाई है, जो जो इन्होंने घपले घोटाले किए हैं लोगों के बीच में, वो सारे उजागर करेंगे। उसके साथ साथ ये भी पूछेंगे लोगों से कि इनसे पूछो, सवाल करो कि किस लिए चुनाव लड़ने, क्या जरूरत पड़ी है, हमारे पास तो बहुत मुद्दे हैं, ये क्या कह करके चुनाव लड़ेंगे, इनके पास कौन सा मुद्दा है? सर, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि, दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की जनता सीएम के तौर पर देखना चाहती है। तो ये बात तो कह करके चुनाव भी लड़ा था, फिर तो जाकर के मिनिस्ट्री क्यों ली, फिर तो चीफ मिनिस्टर की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। जो व्यक्ति पहले दिन से ये कह रहे थे कि हमने तो नारे लगाए गए थे, आया सीएम का, अब नारे लगेंगे गया सीएम है, ये उसके कहने से चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाएगा, जिनके पास 10 MLA हैं, और जो ये कहते हैं कि हम ये गठबंधन का धर्म निभाएंगे, अगर मान लो कल को बीजेपी के साथ ये दोबारा चुनाव मैदान में भी आते हैं गठबंधन के साथ, तो फिर चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कैसे हो जाएगा, बीजेपी इनको कितनी सीटें देगी? ये तो खाली सारा दिन लोगों के अंदर कैसे, तो कुछ तो बोलेंगे बेचारे, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। एक तरफ गठबंधन की बात करते हैं, एक तरफ पूर्ण बहुमत मांगते हैं, पूर्ण बहुमत तो तब मांगे आदमी जब अपनी लड़ाई लड़े, अपनी पार्टी पे लड़े। ये तो आज की तारीख के अंदर इनके पल्ले तो कुछ है ही नहीं। अब तो ये भी कहा दिग्विजय ने कि हमारे तो 10 MLA हैं, सरकार में हमारा 20% हिस्सा है, हमारे पल्ले ही कुछ नहीं है। जो ये कहते थे कि हम पता नहीं हरियाणा प्रदेश के
युवाओं के लिए क्या कर देंगे, महिलाओं के लिए कर देंगे, जो कहते थे बूढ़ों की पेंशन बढ़ा देंगे, वो सब हम ये बात स्वीकार करते हैं कि हमारे पल्ले तो सरकार में कुछ है ही नहीं। तो रोज मतलब अपने बयान सोच समझ करके देने चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जिस प्रयास में लगे हैं उसमें कामयाब हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये सफारी जो उनका सपना है उसको पूरा कर सकें। अगर दृढ़ शक्ति के साथ काम करे तो मुख्यमंत्री ने आज तक पता नहीं कितनी बातें कही है, उनमें से कितनी चीज़ आज तक सिरे चढ़ी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो जो मुख्यमंत्री होते ठान लेते थे उसको हर हालत में पूरा करते थे। डिज्नीलैंड चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने स्टेट से 2 बार विधानसभा का सत्र बुला करके बाकायदा तौर पे कानूनन रूप दे करके भेज दिया था। वो तो सेंटर के अंदर उस वक्त अडवाणी जी गृह मंत्री थे, उन्होंने उसमें रुकावट पैदा करने का काम किया था। हमारा तो मकसद था कि हरियाणा टैक्स फ्री सिटी बने, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो सके, उसका फायदा मिल सके। लेकिन लेकिन आज की सरकार ने तो बहुत सारे फैसले किए, बहुत सारे फैसले बदले। अब ये सफारी बनेगी या किसी की सवारी बनेगी ये तो मुझे पता नहीं है। नहीं, आपकी सरकार में तो चलो अडवाणी जी ने रोड़े अटकाए थे, हाँ, लेकिन इस सरकार में तो बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है। नहीं नहीं, अगर ये चीज बना रहे हैं, अगर इसके लिए कोई विधानसभा में ये बिल भी लेकर के तो हम तो उसका समर्थन करेंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए, हमारे प्रदेश के अंदर। मैं तो चाहता हूँ कि आज भी हरियाणा में कसिनो बने, आज भी डिज्नीलैंड बने, गोवा में अगर कसिनो हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता। हरियाणा में तो 1 नंबर में नहीं है ना सर, वो तो 2 नंबर में। नहीं नहीं, 2 नंबर में नहीं है, वहाँ पे भी जो कसिनो बने हुए उनको बाकायदा तौर पर परमिट मिले हुए हैं, वो बाकायदा तौर पर फीस भरते हैं सालाना, वो कोई ये नहीं है। तो हरियाणा में जमीन पे अगर पानी पे लाइसेंस दे रहे हो आप तो जमीन पे दे दो, क्या दिक्कत है।